लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप कौन है बेटी? विजय की दीदी आई हैं। नो, आई एम इंस्पेक्टर देवी सिंह। मेरे पास विजय को अरेस्ट करने का वारंट है और मुझे खबर मिली है कि वो यही है। अरे भाई, तुम्हारी बिल्डिंग में इंस्पेक्टर देवी सिंह की जीप क्यों खड़ी है? कहां से बोल रहे हो? दीदी, अपने आप को क्यों छका रही हो? एंटोनी के मरने से पहले मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। टाटा। चलो। अब क्या होगा? इस सवाल का जवाब अकबर इलाहाबादी पहले ही दे चुके हैं। पुलाव खाएंगे, अहवा फातिया होगा। मैं हिंदू हूँ, इसलिए फातिया की जगह चौथा होगा। कैसी बातें करते हो? आखिर वो तुम्हारी सगी बहन है। हाँ, लेकिन पहले वो एक जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, फिर एक सत्यवादी नागरिका है, और तब कहीं जाके मेरी सगी बहन है। उन्होंने तो मेरी गर्दन के नाप के फांसी के फंदे का ऑर्डर भी दे दिया होगा। वैसे मुझे चाहते भी बहुत है, मेरी लाश पर रोएंगे भी बहुत। I'm sorry. Sorry? क्यों? मुझे तुम्हारे मुंह पे हाथ रखने का क्या अधिकार है? अधिकार है, पर जिसके लिए आदमी के दिल में मान हो, प्यार हो, उसे अपने हाथों से जहर तो नहीं पिला सकता ना। वो तो यही कोशिश करेगा ना कि जहर को उसे जितना दूर हटा सके हटा दे। मुझे पहलियां बूझने का शौक नहीं है। कानून जिसके पीछे फांसी का फंदा लिए दौड़ रहा हो, वो गर्दन वरमाला के लायक नहीं होती मेरा। मैं अपने आप को यह बात बड़ी मुश्किल से समझा पाया हूं। कह चुके, अब मेरी सुनो। प्यार भरी जिंदगी का एक पल बिना प्यार के सदियों से कई बड़ा होता है। मुझे वो पल चाहिए, दोगे? पागलों जैसी बातें ना करो। मैं तुम्हें पल भर के सुहाग के लिए जिंदगी भर की बेवकी नहीं दे सकता। तुम्हारी बेवा कहलाई जाऊंगी ना? मुझे इन दामों में उस चुटकी भर के सिंदूर का सौदा मंजूर है जो तुम मुझे दोगे। मैं सच कहती हूं विजय, मैं बहुत फायदे में रहूंगी। ये पल भर के सुहाग का सौदा बहुत जचता है, मुझे अपना लो। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता? तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने अपने दिल को कैसे कैसे मारा है? तुम अपने दिल के साथ जो सुलूक चाहे करो, लेकिन मेरे दिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना याद रहे, मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। माफ कर दो मीना, मैंने तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाया है। अंजाम चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। खुश? ऐसा करो, अभी तुम अपने डिस्को जाओ ताकि किसी को शक ना हो। मैं तुमसे वही मिलूंगा, वहां से हम शिव मंदिर जाएंगे और शादी कर लेंगे। हाँ, तुम अपनी माँ से कहती जाना वहीं आ जाएं। मैं जानिसार खान को भेजकर अपनी माँ को बुलवा लूंगा। ओके? देखो, आज रात को डिस्को थ्री एसेस में मीना के डांस का प्रोग्राम है। उधर विजय जरूर आएगा और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी आएगी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके, हमें विजय को खलास कर देने का है, समझे? ओके बॉस। मैं विजय को अच्छी तरह जानती हूँ। इससे पहले कि वो तीसरा मर्डर करे, उसे गिरफ्तार कर लेना बहुत जरूरी है। वो डिस्को थ्री एसएस में आएगा। हाँ पंडित जी, आइए शुरू कीजिए जल्दी। वो अभी तक नहीं आए। फिक्र मत कीजिए, आ जाएंगे लोग।
अरे चलो भाई जल्दी करो। चलो चलो पंडित जी शुरू कीजिए, जरा जल्दी वाला मामला है। रुक जाओ मिस्टर विजय, यू आर अंडर अरेस्ट। बेटी शादी तो हो जाने दीदी, थोड़ा सा टाइम दे दो दीदी, मेरा काम पूरा हो जाने दो, फिर मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। चलो बंद कर दो दरवाजा, ये हवलदार अच्छी तरह से ताला लगा दो, ठीक से निगाह रखना इस पर। जी हम चल बिठा दे होशियारी से जाना। धमाका कहाँ? धमाका धमाका। अबे अंधे, आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चलाता है, मेरे ट्रक को मार दिया मेरा बम। अबे आगे नहीं क्या धंधा नाता हुआ चला आ रहा है, मेरी मोटरसाइकिल का फलूदा निकाल दिया। ये तो सचमुच एक्सीडेंट हो गया। किसका इंतकाल हो गया? इंतकाल किसी का नहीं हुआ हवलदार जी, चोट आई। किसको चोट आई? इनकी मोटरसाइकिल को और उनके ट्रक को। अरे हवलदार हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी, हम राजी हो गए। राजी हो गए ना भाई? हाँ हम राजी हो गए, राजी हो गए। पुलिस जी हम लोग, मगर एक्सीडेंट तो हो ही गया है ना। अरे भाई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अरे लेकिन तो फिर हम भी आपके खिलाफ दफा 102, 403, 711 के मातहत कार्रवाई शुरू करते हैं। और आपके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। सेक्शन बोल रहा है भाई। क्या छोड़ दें? भलाई इसी में है। देखो तुम गाड़ी संभाल के चलाया करो, एक्सीडेंट मत करो। आगे मत करना। हां नहीं, खुदा हाफिज़। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाबा 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 जी लड़की अंदर चली गई है, तुम अपना ट्रक संभालो, मैं अपनी मोटरसाइकिल संभालता हूं। खाली पीली नींद हराम कर दी कमबख्तों ने, चले आते हैं बेकार के बेकार। अच्छा सो रहे थे, देखना अपने कैदी का क्या हाल है। सब ठीक है, सो रहा है। तुम लोग सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके बाहर ठहरो, एकदम चौकस रहना। आओ। अच्छा साहब चलो। इंस्पेक्टर साहब आज आपका ऑनर का कोरा कागज पर अपन साइन करना मांगता है, गुड आइडिया। तुम बच नहीं सकते अंतोनी। अभी तुम अपना बचने के बारे में सोचो बेबी। यू रेस्कल। देखा विस्की का फ्यू ड्रॉप्स के आगे तुम बिल्कुल बेबस है, लेकिन विस्की के पास तुम्हारा ये वर्जिन जवानी देखने वाला आंख नहीं है, आपन के पास है। विस्की के पास तुम्हारा ये मार्बल के माफिक चिकना बदन छूने के लिए हाथ नहीं है, आपन के पास। हाँ।
बहुत गर्मी लगता है। अरे तुमको तो इस वर्दी में और भी गर्मी लगता होगा, ये कपड़ा ठीक नहीं है, अपन इसको अभी निकाल देता है। बड़ी दीदी की आबरू के नाम की। इसे मत मारो। यह है पिताजी के नाम की। यह है मेरी मां को विधवा बनाने की। यह है मुझे यतीम बनाने की। तूने क्या किया विजय, ये तूने क्या किया? दीदी आज मेरी कसम पूरी हो गई, इतने वर्षों के बाद आज पिताजी की आत्मा को शांति मिली होगी। ये पिस्तौल तुम्हारी है ना? इस कुत्ते को मारने में तुम्हारे कानून ने भी मेरी मदद की। थैंक यू। बाय। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। कैसे मर गया? देखता हूँ। लाश को हाथ नहीं लगाना, ये सब चीज ऐसे रहने दो, मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। जल्दी जल्दी। अरे ये तो जिंदा है। हवलदार साहब, हवलदार साहब, ये तो जिंदा है। अरे भाई आहिस्ता 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 भाई। अरे गाड़ी गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, जल्दी से अस्पताल ले चलो, अस्पताल अस्पताल, जल्दी 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 जल्दी। विजय
तुमने जो खून किया है उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगी। सरकारी वकील की तमाम दलीलें और गवाहों के सारे बयान ये साबित नहीं कर सके कि मुल्जिम विजय मौके वारदात पर मौजूद था। जब एंथनी डिक्रूज का खून हुआ उस वक्त मुल्जिम पुलिस की हिरासत में था, फिर वो खून कैसे कर सकता था? इसलिए अदालत मुल्जिम को बाइज्जत रिहा करती है। सॉरी दीदी। विजय, कुछ लोग कानून को कभी कभी धोखा दे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कानून की आंखों में हमेशा धूल झोंकी जा सकती है। याद रखना।